नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आज आप लोगों को एक नई और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। ये आप लोगों के बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जिन लोगों के पास कारवा, यानी आप लोगों ने कारवा का नाम सुना है, एक रेडियो टाइप का होता है जिसमें ऑलरेडी पहले ही से गाने फीड रहते हैं, और किसी किसी कारवा में 300, 400, 500, 1000, 2000 तक गाने, यानी कि नए गाने लगभग फीड रहते हैं, लोग उसको आराम से सुन सकते हैं। तो कारवा आपने देखा, छोटे बड़े कारवा, जैसे ये देखिए, ये एक कारवा है, मिनी कारवा, ठीक है। अब आप लोगों ने कारवा को बाहर से देखा होगा, जी हाँ, ये हमें गाने सुनाता है, किसी में एफएम होता, किसी में नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज हम कारवा के बारे में एक सटीक जानकारी देने जा रहे हैं आप लोगों को। गौर से समझिए और इसके बारे में आप प्रयोग भी करें। आप लोगों ने अधिकांश देखा हो जो कारवा होता है उसमें लगभग 99% पुराने गाने, यानी ओल्ड सॉन्ग फीड रहते हैं ना, लोगों को अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं ओल्ड सॉन्ग। बट यदि आप चाहें तो, ठीक है, वैसे तो आउटसाइड सपोर्टर होता है ये कारवा, यहाँ देखिए यूएसबी हब पे लगा हुआ, ये लगा, इसमें हम चाहें बाहर से पेन ड्राइव लगाकर और भी गाने सुन सकते हैं। लेकिन कारवा का मतलब क्या हुआ, यदि हम बाहर से पेन ड्राइव लगाएंगे तो कारवा थोड़ी होगा, म्यूजिक सिस्टम हो गया ना। तो आप लोगों के बढ़िया बेहतरीन जानकारी देने जा रहे हैं, किसी भी कारवा में जो गाने फिट रहते हैं वो मदरबोर्ड में, यानी कार्ड में नहीं रहते, जो कार्ड देख रहा है इसमें नहीं रहते, ठीक है। कार्ड के अंदर एक पेन ड्राइव लगी रहती है, ये देखिए, और तो देखिए एक पेन ड्राइव लगी रहती है, ये लगी है पेन ड्राइव, ये देखिए, ये देखिए पेन ड्राइव लगी रहती है, ये देखिए, ठीक है। ये शायद किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, कि इसके अंदर एक पेन ड्राइव रहती है, ये देखिए। किसी भी कारवा को आप बड़े आराम से खोलेंगे और गौर से देखेंगे, जैसा कि बाहर साइड में आपका एक लगा हुआ यूएस हब लगा हुआ है, गौर से देखिए, यानी आउटसाइडर अटैच करने के लिए पेन ड्राइव एक हब लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जब किसी भी कारवा को आप खोलेंगे तो इन साइड में एक यूएसबी हब लगा होगा, जिसमें ये पेन ड्राइव ऑलरेडी कंपनी सपोर्ट करके इसको फीड करके लगा देती है। यदि आप लोग चाहें तो इसी पेन ड्राइव में अपनी इच्छा अनुसार भजन के गाने, कथा, भागवत, यानी आप जो गाने चाहें वो दोबारा किसी भी कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से या घर में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ। तो कहने की बात ये है कि किसी भी कारवा में, ये जो कारवा होता है, किसी भी कारवा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये देखिए, इसमें कोई भी ऐसी फीडिंग नहीं रहती है जो मदरबोर्ड में हो। ये जो मदरबोर्ड देख रहा है इसका, इस मदरबोर्ड में हो, इसमें ऑलरेडी एक इनसाइड में एक ये लगा इन साइड में एक पेन ड्राइव लगी रहती है। इस पेन ड्राइव को यहाँ से आराम से आउट करो, ये लगी रहती है, देखो, ये देखो, ये लगी, दिख रही है आप लोगों को, ये लगी हुई है, इसको आउट करो, ये देखिए आउट हो गई। अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई भी सॉन्ग फीड कर सकते, तो आपका जो कारवा है, ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर से, यानी आउटसाइड से आपको कोई भी पेन ड्राइव या चिप लगानी पड़े, आप इसके इन कोई भी अपनी इच्छा अनुसार सॉन्ग फीड करके सुन सकते हैं। तो ये सटीक जानकारी मैं आपको अपने चैनल पर इसलिए दे रहे हैं, कई लोग कहते हैं मेरे पास कारवा है, रिटर्न बाय रिटर्न वही गाने आते हैं, भाई कब तक आप सुनेंगे। इच्छा अनुसार कभी भी आप चाहें पेन ड्राइव निकाल कर नए सॉन्ग, पुराने सॉन्ग, धार्मिक सॉन्ग, भागवत कथा, रामायण, जो भी आप जैसे चाहें उसको फीड कर सकते, फिर इच्छा हो आपकी तो ओल्ड सॉन्ग फीड कर सकती, ये कभी भी आप कन्वर्ट कर लें किसी भी कंप्यूटर से डाउनलोड करके,
नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी पुरुषोत्तम रई आप लोगों को बहुत ही यूनिक जानकारी अपने चैनल पर देता हूँ। आशा है और उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।